अगर आपकी भी घर में बनती है पनीर की सब्जियां तो जरा रुक जाइए और पहले इस रिपोर्ट को पूरा देख लीजिए कि कैसे देश के हर एक कोने में पहुंचा जा रहा है। यह नकली पनीर आपको मौत के घाट भी उतार सकता है। अभी कुछ ही समय पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 400 किलो नकली पनीर पकड़ा गया, जिसे नैनीताल की होटल और रेस्तरां में सप्लाई किया जाना था। अगर आपके भी घर में पनीर बहुत ही इच्छाओं के साथ खाया जाता है तो आज हम आपको इस नकली पनीर से जुड़ी कुछ ऐसे राज की बात बताने वाले हैं। इसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में ऐसे कई छोटे छोटे गांव हैं जहां नकली पनीर बनाने का काम चल रहा है। वही हमें नकली पनीर बनाने वाले बताते हैं कि जिसकी जैसी डिमांड होती है उसको वैसी ही लागत वाला पनीर बनाया जाता है। यूपी और हरियाणा से कई इलाके हैं जहां से प्रतिदिन 1000 किलो पनीर इलाकों में भेजा जाता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को नकली पनीर और दूध जैसी चीजों के लिए अलर्ट भी किया था। इसके अनुसार सरकार अगर दूध की मिलावट को लेकर सख्त कदम नहीं उठाती है तो साल 2025 तक देश के 87% लोग कैंसर जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। यह मात्र कुछ पैसों के लिए आपकी और आपके परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिसे जानकर दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। दर्शन नकली पनीर फाइन टेल अरारोट यूरिया और कई ऐसे रसायनों को उसे करके बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों खतरे से खाली नहीं है। नकली पनीर क्यों बनाया जाता है, ले इसे भी जानते हैं। आपको बता दें कि भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करने वाला देश है। वही साल 2022 में दूध का प्रोडक्शन 221 मिलियन टन हुआ, लेकिन भारत में दूध की खपत इसके प्रोडक्शन से 4 गुना ज्यादा है। यानी जब हमारे देश में दूध की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, फिर पनीर बनाने के लिए दूध कहां से आ जा रहा है? हो सकता है दोस्तों हम और आप जो पनीर खा रहे हो वह असली ना हो, और वही जो लोग बाहर जाकर शाही पनीर, रोल पनीर, टिक्का का मजा लेते हैं, हो सकता है कि इसमें भी नकली पनीर का इस्तेमाल किया गया हो। तो दोस्तों, खबरों के मुताबिक यह नकली पनीर बनाने के लिए कई तरीके होते हैं। तो आपको सबसे पहले सिंथेटिक पनीर के बारे में बताते हैं। से दूध की क्रीम निकालने के बाद बचे हुए दूध मिल्क कहा जाता है, मक्खन पनीर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर स्टैंड मिल्क में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसके बाद से लो टेम्परेचर कुछ देर के लिए हिट किया जाता है। दूध में बेहद ही घटिया क्वालिटी वाला पाम तेल मिला दिया, जिसे दूध तक के जैसा दिखने लगता है। फिर इसमें बेकिंग पाउडर डालकर इस दूध को फाड़ दिया जाता है, जिससे दूध नकली पनीर का रूप ले लेता है। इसे देखकर तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ सकते हैं कि यह नकली पनीर है या फिर असली। तो आइए जानते हैं पनीर बनाने की दूसरी प्रक्रिया को दोस्तों। इसमें भी दूध से क्रीम निकाल दिया जाता है, जिसके बाद उसे दूध में अरारोट मिला दिया जाता है। जी हाँ, वही इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में करते हैं। दूध में उतनी ही मात्रा में अरारोट डाला जाता है, जिससे कि दूध गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें डाल दिया जाता है। फॉर्मलिन एक तरह का रसायन है, जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। दर्शन, इसके इस्तेमाल से ही नकली पनीर ज्यादा दिनों तक टिका रहता है। फिर फार्मूला डालने के बाद दूध को पढ़ने के लिए देने के पानी को दूध में डाल दिया जाता है। इसके बाद नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे, तो पनीर बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल होता ही नहीं है, बल्कि मिल्क पाउडर से पनीर बना लिया जाता है। देखा जाए तो नकली पनीर बनाने में खराब दूध, एजेंट पाम आयल, ग्लिसरीन, सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो यह सारी चीज सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए डॉक्टर घर पर बने पनीर को खाने का सलाह देते हैं। तो क्या इन सभी चीजों को देखते हुए पनीर खाना छोड़ देना चाहिए? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप घर में असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं, तो उसे भी आज आप जान लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि नकली पनीर को सिर्फ देखकर पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए कुछ तरीके हैं जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पहले तरीके में पनीर का टुकड़ा मसलकर हाथ मिले, अगर यह टूटकर बिखरे तो समझ लीजिए कि पनीर नकली है। और वही पनीर को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि पनीर का एक टुकड़ा लें और पानी में उबालकर ठंडा कर, जब दोस्तों पानी ठंडा हो जाए तो उसे पर कुछ आयोडीन टिंचर डालें। अगर पनीर का रंग नीला पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका पनीर नकली है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।